आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम देर रात बलथी चेक पोस्ट पर मौजूद दिखी। बॉर्डर पार कर बिहार में प्रवेश करने वाले विभिन्न वाहनों की सघन जांच किया जा रहा था। वहीं उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार खुद मौके पर तैनात दिखे। फिलहाल उत्पाद विभाग की पुलिस की सक्रियता को देखकर शराब माफियाओं में हड़कंप मच गई है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव और होली को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी करने की बात कही जा रही है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम शनिवार की देर रात 11 बजे जिले के बलथी चेक पोस्ट पर पहुंची और पड़ताल की। हमारी पड़ताल में उत्पाद विभाग की टीम मुस्तैद दिखी। टीम ने बॉर्डर पार कर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघन जाँच की जा रही थी। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे और अभियान का नेतृत्व करते हुए नजर आए। चेक पोस्ट पर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी छोटे और बड़े वाहनों को रोककर सघन जांच और तलाशी ली जा रही थी। टीम ने अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौकसी भरी नजर से सीमा पार कर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की हैंड स्कैनर की मदद से सघन जाँच किया जा रहा था। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि यह अभियान मुख्य रूप से सीमा पार से अवैध रूप से लाई जा रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती को देखते हुए शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। इस अभियान के तहत अवैध शराब की कई बड़ी खेप जब्त की गई है और काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है। माधवगढ़ में बाइक चोरी करने वाले का फोटो पुलिस के द्वारा सार्वजनिक करते हुए ऐलान कर दिया गया है। पहचान कर बताने वाले के नाम गुप्त रखी जाएगी तथा पुरस्कृत भी किया जाएगा। पहचान कर पुलिस कप्तान के मोबाइल नंबर 94 31 82 29 91 पर और थाना अध्यक्ष के मोबाइल नंबर 94 31 82 24 88 या 99 34 28 18 92 पर दी जा सकती है। माधवगढ़ प्रखंड अंतर्गत दो छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर अपने पिता का नाम रोशन किया है। बताते चले कि माझा प्रखंड अंतर्गत लंगटू हट्टा गांव के रमन श्रीवास्तव के पुत्र रोशन कुमार श्रीवास्तव ने इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए रिजल्ट में 326 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी तरफ छवही गांव के प्रभात सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार सिंह ने इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई रिजल्ट में 317 अंक प्राप्त कर माता पिता का नाम रोशन किया है। भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के द्वारा प्रमुख समाजसेवी संगठन श्री देवराहा बाबा शिक्षण संस्थान इंदिरा नगर पागरा मठिया थाना विजयपुर जिला गोपालगंज के सहयोग से भोरे प्रखंड के अंतर्गत ग्राम डूमर नरेंद्र के मुख्य संपर्क स्थल पर स्थानीय समाजसेवी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भागीदारी के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मतदाता जागरूकता अभियान को संबोधित करते हुए प्रमुख समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविटिस्ट सुरेश चंद्र पांडे उर्फ त्यागी, संस्थापक श्री देवराहा बाबा शिक्षण संस्थान इंदिरा नगर पागरा मठिया थाना विजयपुर जिला गोपालगंज द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने का आह्वान किया। मतदाता जागरूकता अभियान को संबोधित करते हुए शंकर जी अहिर पत्रकार ने 18 साल पूरा होने पर आवश्यक रूप से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के निरंतर जागरूक रहने के लिए तत्पर रहने की अपील किया। समाज सेवी एवं पत्रकार रवि नंदन सैनी ने काव्य पाठ कर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम को नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के राष्ट्रीय सेवी पिंटू गुप्ता ने कार्यक्रम का संयोजक में सक्रिय भूमिका निभाए। मतदाता जागरूकता अभियान को आनंद कुमार मिश्र, पत्रकार मंजीश कुमार पांडे पत्रकार ने मतदाता को निरंतर जागरूक रहने का आह्वान किया। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम की समापन की घोषणा अध्यक्ष द्वारा संबोधन के उपरांत किया गया। माधवगढ़ प्रखंड मुख्यालय में स्थापित प्राचीन शिव एवं राधा कृष्ण मंदिर परिसर में महंत रामाश्री दास जी की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों की बैठक हुई।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रंगों का त्यौहार होली महापर्व माजागर प्रखंड के सभी क्षेत्रों में 26 मार्च दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव सह स्थानीय पूर्व जिला पार्षद प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि होलिका दहन के दिन हम सत्य की जीत की कथा को स्मरण करते हैं और असत्य के प्रति सत्य की आग जलाते हैं। इस अद्भुत परंपरा में होली का आगाज होता है जो सत्य की ओर एक अद्भुत प्रकटीकरण की ओर हमें ले जाती है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, शांति इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज एवं शांति इंटरप्राइजेस के तरफ से सभी जिलावासियों को एवं छात्र छात्राओं को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हम जादुपुर दुखरन मुखिया प्रतिनिधि धर्मराज प्रसाद सिंह सभी जादुपुर दुखरन पंचायत वासियों से साथ साथ पूरे जिले वासियों को होली और रमजान पर्व की शुभकामना। सभी जिले वासियों से आग्रह करता हूं कि रमजान महीना का पर्व चल रहा है, साथ साथ इसी में होली भी है। सब जिले वासियों से आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्वक ढंग से रमजान साथ साथ होली भी शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल मेन रोड थावे गोपालगंज और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एंड गेम रूम सिंगिंग एंड डांसिंग रूम मेडिकल चेकअप साइंस लैब कंप्यूटर लैब स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class gates up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर वेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन नर्सरी टू क्लास 10 शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल थावे रोड गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मन चाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स मेन रोड गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाए, साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स सर्विस फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। बिहार प्रेस एसोसिएशन के हथुआ अनुमंडलीय पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मेरगंज स्थित चतुर्भुज मंदिर के प्रांगण में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गोपालगंज पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी की अध्यक्षता में इस होली मिलन समारोह का संचालन ग्रीन मैन के नाम से परिचित डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव एवं पत्रकार निराला ओझा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विजयपुर में सुरेश चंद्र पांडे एवं रविनंदन सैनी द्वारा श्रोताओं को हास्य कविता एवं मुहावरा सुनाकर महफिल को गुलजार करते रहे। इस अवसर पर बागेश्वर नाथ दिवारी
दस्तक, प्रभात के जिला संवाददाता अरविंद सिंह, मंजेश पांडे, शंकर जी अहिर, आनंद कुमार मिश्र, अनुज कुमार पांडे, संजय धर द्विवेदी, सोमेश्वर नाथ तिवारी, दिलीप कुमार, संदीप कुमार सहित सैकड़ों अनुमंडलीय पत्रकार साथी समारोह में शिरकत करते नजर आए। होली मिलन समारोह के साथ साथ ये सम्मान समारोह भी था। पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ पत्रकार साथियों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया एवं साथ ही साथ सभी पत्रकार साथियों द्वारा एक दूसरे को पारंपरिक रूप से फूल से अबीर गुलाल लगाकर गले मिलते हुए सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए अगला समारोह कटिया में आयोजित करने की घोषणा किया गया। होली शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर भोरिया स्थानीय थाना परिसर में बीडीओ दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद होली मिलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि भोरी हमेशा से मिसाल कायम करता रहा है, इस बार भी यहाँ शांति और सौहार्द के वातावरण में होली सम्पन्न होनी चाहिए। यहाँ के लोग आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के पर्व त्योहार में सम्मिलित होते रहते हैं। उन्होंने होली के दिन डीजे पर प्रतिबंध रहने की बात कही। वहीं हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने शांतिपूर्ण वातावरण में होली मनाने का आह्वान किया। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के बीच होली मिलन कार्यक्रम भी हुआ। लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर सीओ अनुभव राय, एसआई विनोद कुमार यादव, धीरज कुमार गुप्ता, मुखिया मोहन कुमार सिंह, शाह आलम, कमलेश प्रसाद, शत्रुधन गुप्ता, सत्येंद्र तिवारी आदि थे। विभिन्न जगहों से शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई में लगभग 1.5 दर्जन शराब तस्कर गिरफ्तार हुए और भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुआ। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।